अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत का भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सत्ता बदली है, वैसे ही केंद्र में भी सत्ता बदलेगी। जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। तीन राज्यों में चुनाव नतीजों पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। विपक्षी पार्टियों को सीएम हेमंत सोरेन ने खुद हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। जैसा मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कमलनाथ पर राहुल और सोनिया गांधी को दरकिनार करने का आरोप लगाया। कमलनाथ अकेले चुनाव चला रहे थे, सारे फोटोज पर, होर्डिंग पर, बैनर पर केवल कमलनाथ का फोटो था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जीत का भरोसा था, लेकिन कांग्रेस को ये पता ही नहीं था कि वो चुनाव हारने वाले हैं। मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में हिंदुत्ववादी चेहरा महंत बालकनाथ का भी है। उनके समर्थक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि महंत बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ में कई समानताएं हैं, जिसकी वजह से उन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है। क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। आदित्यनाथ और बालकनाथ दोनों ही सन्यासी हैं और शादी नहीं की है। दोनों ही संत अपने अपने मठों के प्रमुख भी हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, वहीं बालकनाथ बाबा मस्तनाथ मठ के पीठाधीश्वर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा दोनों ही नेता सांसद रह चुके हैं। यही नहीं, आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ भी सांसद थे। वहीं बालकनाथ के गुरु महंत चांदनाथ भी 2014 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ की तरह ही महंत बालकनाथ भी बीजेपी के हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे हैं। इन सब समानताओं की वजह से सोशल मीडिया पर बालकनाथ के करीबी और समर्थक उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थकों का मानना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो बालकनाथ पर बिल्कुल फिट बैठती है। योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ भी अपने भाषणों में हिंदुत्व की बात प्रमुखता से करते हैं। ये चुनाव हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना का चुनाव है। हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा का चुनाव है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों को यूपी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, उसी तरह बालकनाथ भी अपनी रैलियों में 3 दिसंबर के बाद राजस्थान छोड़ने की बात करते थे। 3 तारीख के बाद में इस जिले के अंदर जो गुंडागर्दी करते हैं, जो चोरी चपाटी करते हैं, जो हमारे गरीब भाई बहनों को तंग करते हैं, हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, महंत बालकनाथ अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। इसी साल अलवर जिले के बहरोड़ में फायरिंग की घटना में अपने एक समर्थक के गिरफ्तार किए जाने से वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने थाने में घुसकर डीएसपी को धमकी तक दे डाली। ये 9 महीने का शासन रहा, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है, पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको। यानी बालकनाथ भी योगी आदित्यनाथ के शुरुआती दिनों की तरह विवादों में रहे हैं, लेकिन बालकनाथ का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल लग रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बालकनाथ की कम उम्र और राजनीति का कम अनुभव होना। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ को साल 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब उनके पास बतौर सांसद लंबा अनुभव था। योगी साल 1998 से 2017 तक 5 बार लोकसभा सांसद रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी बनाकर भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके विपरीत महंत बालकनाथ पहली बार 2019 में अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे। उनकी उम्र भी महज 39 साल है, जबकि योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए तब उनकी उम्र 45 साल हो चुकी थी। इसलिए राजनीति का लंबा अनुभव न होना बालकनाथ के आड़े आ रहा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उनको राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बालकनाथ यादव समाज से आते हैं। राजस्थान में ओबीसी होने की वजह से उन्हें सीएम पद नहीं तो डिप्टी सीएम पद पर पार्टी दांव लगा सकती है। बालकनाथ का यादव होना उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ हरियाणा के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सवाल उठता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि राजस्थान बीजेपी में किसी भी तरह का कलह या असंतोष उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है।
इसका छोटा सा ट्रेलर भी कल दिखा जब वसुंधरा राजे से मिलने 25 से ज्यादा विधायक उनके घर पहुंच गए। सबने वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। मैडम के नेतृत्व में हम पहले भी वो हमारी नेता रही है, भविष्य में भी हमारी नेता रहेगी। बीजेपी आलाकमान पार्टी में फूट मोल नहीं ले सकते, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव और भविष्य के नेतृत्व को ध्यान में रखकर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि राजस्थान में एक या दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में हवा महल विधानसभा क्षेत्र की हवा बदलते ही वहां के नए निर्वाचित बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के तेवर तीखे हो गए। जीत के अगले ही दिन वो हवा महल इलाके में मीट की दुकानें बंद करवाने पहुंच गए। लेकिन उससे पहले सोमवार की सुबह सुबह उन्होंने नगर निगम के अधिकारी को मीट दुकानें बंद करवाने की चेतावनी दे डाली। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो। आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है महरानिया जी कौन अधिकारी है। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य ने शाम तक का इंतजार नहीं किया। दोपहर को वो अपने समर्थकों के साथ हवा महल में उन जगहों पर पहुंच गए जहां मीट की दुकानें थी। और वहां पहुंचकर मीट दुकानदारों से दुकानें बंद करने का आदेश सुनाने लगे। उनके साथ सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम भी थी। घबराकर मीट दुकानदार दुकानें बंद करने लगे। और लाइसेंस इनके पास है नहीं, एक के पास। बाल मुकुंद आचार्य पहले हवा महल के करबला में पहुंचे, उसके बाद वो आमेर रोड पर मीट की दुकानों पर पहुंचे और लाइसेंस ना होने के बहाने उन्हें धमकाने लगे। सुनो, उस पे कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना, मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा। दिमाग से बिल्कुल निकालना, मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस दौरान बाल मुकुंद ने मीट दुकानदारों से कहा कि क्या वो इस इलाके को कराची बनाना चाहते हैं? टूरिस्ट आएगा कैसे यहाँ? गंद मचा रखी है, कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है, आके मत दिखाना, आके बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। जयपुर के हवा महल इलाके में बाल मुकुंद सड़क पर मीट दुकानदारों के पास जा जाकर लाइसेंस मांग रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी से उनकी बहस भी हो गई। क्योंकि पुलिस अधिकारी ने कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बाल मुकुंद अधिकारी पर भड़क गए। आपने गेला समझ लिया मुझे? नहीं, गेला समझ लिया। आप ऊपर के उस फेवर में हो ना, कोई आपका मित्र काम कर रहा है? नहीं, आप सोच रहे कभी किसी फेवर में राय नहीं। मुझे सुनो, ये आपके कह रहे कर रहे बता दो, मुझे एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाइसेंस पूछो, आप पूछ ले। दुकान बंद हो चुकी है वाली। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मेरी भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा, दिमाग से निकाल देना। इस दौरान इलाके में दो पक्षों के बीच कुछ मिनट के लिए तनाव का माहौल भी पैदा हो गया। अरे आजा 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 वोट दे आजा। बीजेपी ने बाल मुकुंद आचार्य को हिंदूवादी चेहरे के तौर पर हवा महल से मैदान में उतारा था। काउंटिंग में शुरुआत से पीछे चल रहे बाल मुकुंद आचार्य ने आखिरी राउंड में 974 वोट से जीत हासिल की थी। मीट की दुकानों और ठेलों को बंद करवाने का बाल मुकुंद का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाल मुकुंद की काफी किरकिरी होने लगी तो उनके तेवर भी ढीले पड़ गए और उन्होंने जी न्यूज से बातचीत में माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों से सिर्फ निवेदन किया था। मैं तो गला खराब है इसलिए तेज बोल रहा था, उसको गलत वे में ले लिया। फिर भी मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए नियम है। कोई भी ये काम करता है तो उसके लिए नियम है, उस नियम अनुरूप काम करे, ये निवेदन किया मैंने। बाल मुकुंद ने अपनी सफाई में कहा कि इलाके की माताओं बहनों ने शिकायत की थी इसलिए वो वहां पर गए थे। सनातनियों का जिनको इससे दिक्कत है उनकी उनको व्रत खराब होता है, उनका मन खराब होता है। बाल मुकुंद का कहना है कि सिर्फ लाइसेंस वाले मीट विक्रेता को ही दुकानें लगाने की इजाजत दी जाए। सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले बाल मुकुंद आचार्य ने शपथ से पहले ही जो ट्रेलर दिखाया उस पर सियासत तो होनी ही थी, लिहाजा विपक्ष ने बाल मुकुंद पर निशाना साधा।
और राजस्थान के अलवर में रामगढ़ से कांग्रेस के निर्वाचित विधायक जुबेर खान ने सवाल किया कि अगर नियम लागू हो तो हर वर्ग और धर्म के लोगों पर लागू हो। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, मेरा मानना है कि गलत काम रोके तो सबके रोके जाए, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को, किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये राजधर्म का काम नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जीत की खुमारी में बीजेपी पिक एंड चूज के तहत खास वर्ग को निशाना बना रही है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने के लिए जोड़तोड़ अब शुरू हो गई है। राजस्थान में विधायक दल का नेता कौन बनेगा इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने गुटबाजी देखने को मिल रही है। हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का, उसको मुझे स्वीकार करना सब संबंधित प्रस्ताव। दिल्ली में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई इस बैठक में बीजेपी को सदन में घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया गया। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1.5 लाख रुपए छूट देने का ऐलान किया। वहीं दो पहिया वाहन पर 50% टैक्स में राहत देने की बात कही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद ईवीएम एक बार फिर सवालों में आ गई। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई और सवाल खड़े किए, जिसके लिए खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार रहे कमलनाथ सामने आए और आरोप लगा दिया कि ईवीएम हैक की गई थी। उन्होंने अपने विधायकों का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि जिनके परिवार में 50 लोग हैं उन्हें भी 50 वोट नहीं मिले। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गाँव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है, कहते मेरे अपने गाँव में और घर से मैंने देखा। कमलनाथ ने पूरी आशंका जताई कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने अपने सभी नेताओं से बात करने के बाद ही इस मुद्दे को तूल देना सही समझा। अभी ये सब सुन लो सबकी बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार भी बीजेपी से पहले शुरू किया था, लेकिन चुनाव में ना तो कांग्रेस की गारंटी चली और ना ही किसान कर्ज माफी का कार्ड। और रिजल्ट ऐसा आया कि कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की कर्ज माफी से ज्यादा लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया और मोदी मैजिक ऐसा चला कि बीजेपी की आंधी में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता निपट गए। विधानसभा चुनाव का ये परिणाम निश्चित तौर से कांग्रेस को हैरान करने वाला रहा, इसलिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को ही जिम्मेदार माना। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ईवीएम पर रत्ती भर भरोसा नहीं। हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। हालांकि बीजेपी ने चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों के सामने यहां तक कह दिया कि मोदी की गारंटी के सामने किसी की गारंटी नहीं चलती। और चुनाव रिजल्ट में बीजेपी नेताओं के ये सभी दावे सच साबित होते भी दिखे, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस मध्य प्रदेश में शिवराज की राह मुश्किल नजर आ रही थी, वहां मोदी की सुनामी में विपक्ष के सारे मुद्दे और सभी दावे फेल हो गए। इसलिए कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस की हार को बौखलाहट बताया। अभी हिमाचल में जीते तभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा, कर्नाटक जीते तभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा, तेलंगाना जीते, एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है ना जनता पर विश्वास है ना। वहीं कांग्रेस के आरोपों के बीच सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे शिवराज सिंह चौहान कूल अंदाज में दिखे। उन्होंने भोपाल में लाडली लक्ष्मी बहना योजना के लाभार्थियों के साथ लंच किया। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे, आप देख रहे हैं बात पते की। और इस समय की बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा संभव, हालांकि ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस बाबत की बैठक चल रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, अब अगला सवाल यही है सभी के मन में कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसी बाबत चर्चा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा साहब इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मौजूद है और वहां पर एक अहम बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है और बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री के लिए जिन नामों की चर्चा है उसमें सबसे आगे रेणुका सिंह का नाम है।
और अगर पार्टी रेणुका सिंह के नाम पर मुहर लगाती है तो छत्तीसगढ़ को न सिर्फ अनुसूचित जनजाति का मुख्यमंत्री मिलेगा बल्कि पहली बार राज्य की कमान किसी महिला के हाथों में होगी। फिलहाल रेणुका सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और रेणुका सिंह इसी समाज से आती हैं। दावा है कि रेणुका सिंह की आदिवासी समाज और महिलाओं के बीच काफी गहरी बैठ है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम सबसे आगे है। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। रेणुका सिंह के सियासी सफर की शुरुआत रामानुजनगर की बीजेपी मंडल अध्यक्ष के रूप में हुई थी। इसके बाद वो 2003 में प्रेमनगर विधानसभा से पहली बार विधायक चुनी गई। रेणुका सिंह ने जीत का सिलसिला 2008 में भी बरकरार रखा और रमन सरकार के महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग की मंत्री बनी। इसके बाद 2019 में सरगुजा लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद वो केंद्र सरकार में अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में राज्य मंत्री बनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर रेणुका सिंह के नाम के अलावा जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी शामिल है, जिनमें रमन सिंह को भी मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2003 से लेकर 2018 तक 15 साल लंबी सरकार का नेतृत्व करने वाले रमन सिंह पर पार्टी एक बार फिर भरोसा जता सकती है। हालांकि रमन सिंह ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसको क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में करने की जवाबदारी हम सबकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रेस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी शामिल है। विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अरुण साव के कंधे पर ही थी। इसके साथ ही वो संघ की भी पहली पसंद बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दी। देखिए, मैंने कहा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला अपनाया और ये फॉर्मूला रंग भी लाया। अब मुख्यमंत्री के नाम पर भी पार्टी जल्द ही मुहर लगा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि फिलहाल किसी भी चर्चा के लिए दिल्ली जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां सातों विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। रेवंत रेड्डी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद केसी वेणुगोपाल मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने विधायक दल के नेता के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया। तेलंगाना में 2 दिन बाद यानी 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। And with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revan Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. 3 राज्यों में कांग्रेस को बड़ी हार क्या मिली। 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता की चौथी बैठक ही खटाई में पड़ गई। एक के बाद एक विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन की बैठक में आने से इनकार किया और हवाला दिया कि कुछ कार्यक्रम है उनका, उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी। इसलिए फजीहत से बचने के लिए कांग्रेस ने एक दिन बाद 6 दिसंबर को होने वाली बैठक को टाल दिया। बैठक में शामिल होने से इनकार करने वालों में ताजा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा, जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे। नीतीश के बैठक में शामिल नहीं होने को कमजोर दिखती कांग्रेस और नीतीश की फिर से कुलबुलाती महत्वाकांक्षा को पर लगने से जोड़कर देखा जाने लगा। सीट शेयरिंग का सवाल नहीं है, हम बड़े कि तुम बड़े, बस लड़ाई से बात की है। एक दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी नहीं होने का दावा कर बैठक में जाने से इनकार कर दिया था। मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बाद में मिचौंग तूफान की चपेट में तमिलनाडु के आने से स्टालिन ने भी दूरी बना ली। रही सही कसर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मना करने ने पूरी कर दी।
चूंकि इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक इस पूरे देश की नजर में थी और इसीलिए इसे टालने से निकलने वाले संदेश की भरपाई एक बड़ी चुनौती साबित होगी। हालांकि कांग्रेस ने इसका तोड़ निकाल लिया है और बताया गया कि 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक तो नहीं होगी, लेकिन इसकी जगह उसी दिन यानी 6 दिसंबर को शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक होगी, जो इंडी गठबंधन के संसदीय दल के नेताओं की समन्वय बैठक होगी। इसके बाद गठबंधन में शामिल दलों के अध्यक्षों की सुविधा के हिसाब से दिसंबर के तीसरे हफ्ते में चौथी बैठक की नई तारीख तय की जाएगी। बताया गया कि नई तारीख 18 दिसंबर हो सकती है। इन हलचलों के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से उनके घर पर मुलाकात की। 3 राज्यों के चुनावों से पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख 6 दिसंबर तय हुई तो इसके सियासी मतलब निकाले गए। उस वक्त कहा गया कि 6 दिसंबर से पहले विधानसभा चुनावों के नतीजों में जीत मिलने पर कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई मजबूती से करेगी और जो क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को कम सीटें देना चाहते हैं उनसे मोलभाव करने में आसानी होती। इसके अलावा 6 दिसंबर को बाबरी ढांचे के ध्वंस का दिन होने से इस बैठक से विपक्ष देश के अल्पसंख्यकों को संदेश देने में भी कामयाब होता, लेकिन उम्मीद से उलट नतीजों ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। फिर तो एक एक कर कई नेताओं ने इस बैठक से पल्ला झाड़ा तो सत्ता पक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया। जो व्यक्ति कह रहे थे कांग्रेस चालू पार्टी है, अब लोकसभा के चुनाव में कैसे कहेंगे कांग्रेस अच्छी पार्टी है। हालांकि विपक्षी गठबंधन में बढ़ते मतभेद के बावजूद कांग्रेस को मिशन 2024 में एकजुट होकर उतरने का भरोसा है। अखिलेश जी का वोट जुड़ जाएगा, अगर बसपा शामिल होगी उसका वोट जुड़ जाएगा, जेडीयू का वोट जुड़ जाएगा, तो निसंदेह हम पहले से कई गुना सशक्त होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब मान्यता प्राप्त मदरसों की जाँच कराएगी। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त 4,394 मदरसों की जांच कराने का फैसला किया है। सरकारी अनुदान प्राप्त 560 मदरसों की सबसे पहले जांच होगी। वहीं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने जांच के लिए 2 सदस्यों वाली कमेटी बना दी है। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कश्मीरी अलगाववादी नेता और आतंकी यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की है। एनआईए की याचिका पर 14 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आतंकी यासीन मलिक भी पेशी में शामिल होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कोरोना काल में जुलूस निकालने वाले केस में राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी है। बता दें कि अखिलेश पर फरवरी 2022 में धारा 144 के उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा था। भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने एक प्रयोग के तहत चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल सैनिक फार्म इलाके में देखा गया तेंदुआ अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। पिछले 4 दिनों से इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की कई टीमें जुटी हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ये तेंदुआ पकड़ से बाहर है। और यही वजह है कि उस इलाके में दहशत का माहौल है। तेंदुए के डर से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में तेंदुआ देखा गया लेकिन अब तक नहीं पकड़ा जा सका है और करीब 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जो टीम्स लगाई गई हैं, उनके हाथ अभी तक खाली हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में, जहां सबसे पहले तेंदुआ आया था। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में शनिवार रात को तेंदुए को देखा गया था। ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता दिखाई दिया था, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वहां रहने वाले लोगों की सांसें अटक गईं। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए और 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस तेंदुओं को पकड़ा नहीं जा सका है। चश्मदीदों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक ये तेंदुआ सैनिक फार्म इलाके से सटे जंगल में घुस गया, जो कभी भी आसपास रहने वाले लोगों या फिर पालतू जानवरों को निशाना बना सकता है। और इस तेंदुए की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और वन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। करीब 40 लोगों की टीम सैनिक फार्म के जंगल वाले इलाके के अंदर घेराबंदी में जुट गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया तो वहीं 2 जगहों पर बड़े बड़े पिंजरे लगाए गए। मैं जंगल के उस इलाके में मौजूद हूं जहां तेंदुआ सबसे पहली बार देखा गया था और उसके बाद इस एरिया को बंद किया गया है। यहां ये जाल जो है पहले से भी लगे हुए थे और कुछ जाल का जो एरिया जो टूटा हुआ था वहां नए जाल लगाए गए हैं। इसके साथ ही वन विभाग के कर्मचारी दिन रात उस इलाके में नजर बनाए हुए हैं ताकि तेंदुए के नजर आने पर उसे पकड़ सके। हमारी तलाश जारी है, हमारी टीम जो है उस तरफ खाना खा रही है, इस टाइम पे अभी आने वाली है और उस तरफ हमारे गार्ड भी लगे हुए हैं और प्लस 2 पिंजरे लगा हुए हैं इसके अंदर और 3 कैमरे हैं हमारे पास।
तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीमें लगातार जंगल की खाक छान रही हैं। लेकिन तेंदुए का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तेंदुए को पकड़ने में जुटे वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल में कई किलोमीटर अंदर तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन तेंदुए का पता नहीं चला। और तेंदुए के पकड़ में न आने से लोगों में काफी दहशत का माहौल है। हालांकि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने उस इलाके में गश्त बढ़ा दी और लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी भी कराई गई। आ चुका है, आप सभी अपने घरों के अंदर रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। लोगों में तेंदुए का डर इतना ज्यादा है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। मेरे बच्चों को भगाया गया था कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं कहूँ काट वाट खाएगा, घायल कर देगा छोटे छोटे बच्चे। तेंदुए के डर से सैनिक फार्म में रहने वाले लोगों ने सुबह वॉक पर जाना भी छोड़ दिया। वहीं जंगल के पास बनी झुग्गियों में भी ताले लगे नजर आए। बताया गया कि लोग तेंदुए के खौफ की वजह से फिलहाल दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। अगर आप भी पैकेज्ड फूड जैसे कि चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के शौकीन हैं, तो ये खबर आप ही के लिए है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 7 देशों की 20 कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स की जाँच की है। इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की कंपनियां शामिल हैं। इसके लिए रिसर्चर्स ने इन कंपनियों के 1294 ब्रांड्स के 35,350 प्रोडक्ट्स की जांच की। इन प्रोडक्ट्स में चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, केक, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स समेत तमाम पैकेज्ड फूड शामिल थे। जब इनकी क्वालिटी परखी गई तो 89% प्रोडक्ट्स WHO के तय मानकों पर फेल साबित हुए। रिसर्चर्स के मुताबिक जिन सैंपल्स की जांच की गई उनमें नमक, चीनी और फैट की मात्रा ज्यादा पाई गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन प्रोडक्ट्स को सेहत के लिए नुकसानदेह बताया। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मिचोंग तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तूफान की वजह से अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शहर भर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिन्हें सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। तमिलनाडु के चेन्नई में मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। चेन्नई में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां डूब गईं। रिहायशी इलाकों में तो जैसे बाढ़ आ गई, मकानों की पहली मंजिल पानी में थी। यही नहीं, सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोग पानी में आधे डूबे नजर आए और इन्हीं पानी से लबालब भरी सड़कों पर चलने को मजबूर दिखे। जो नाव तूफान की वजह से समंदर के किनारे बांधने के निर्देश दिए गए थे, वो पानी में डूबे रिहायशी इलाकों में चलती दिखी। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी बुलडोजर पर चढ़कर की। तूफान के आगे बढ़ने के बाद तमिलनाडु में बारिश बंद हो गई, लेकिन चेन्नई जैसे शहर में अब भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। तमिलनाडु में मिचोंग तूफान की दस्तक के साथ ही इतनी बारिश हुई जितनी वहां पूरे मॉनसून सीजन में होती है। नतीजा ये हुआ कि वहां नदी नाले उफान पर आ गए और देखते ही देखते बाढ़ के हालात बन गए। तमिलनाडु में मिचोंग तूफान आया तो अपने साथ भयंकर बारिश लाया, जिसने पूरे शहर को मानो डुबो कर रख दिया। 30-40 दिन में जो रेनफॉल होता है एक कंप्लीट मानसून सीजन में, वो रेनफॉल 2 दिन में हुआ है। इसके कारण चेन्नई में पूरा वाटर लॉगिंग सिचुएशन और फ्लडिंग सिचुएशन है। चेन्नई शहर के जलाशय ओवरफ्लो हो गए, जिनका पानी शहर के बीच से होकर बहने वाली अडियार नदी में पहुंचा और नदी ने अपना रास्ता बदलते हुए शहर को पानी पानी कर दिया। तूफान से निपटने के लिए 3 राज्यों में NDRF की 22 टीमें मौजूद हैं। चेन्नई में पानी भरने की वजह से NDRF की अतिरिक्त टीमें भी तैनात की गई हैं। तूफान की दस्तक से अब तक चेन्नई होते हुए या डायरेक्ट चेन्नई जाने वाली करीब 1,000 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। चेन्नई में भारी बारिश से एयरपोर्ट बंद होने के बाद अकेले इंडिगो एयरलाइंस को पूरे देश में 550 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मिचोंग तूफान 2 दिसंबर को बंगाल। जापान में दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। ये रिएक्टर जापान के नाका नॉर्थ इलाके में है। बताया जा रहा है कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से सूरज जितनी गर्मी पैदा की जा सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रिएक्टर से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊर्जा पैदा होती है। ये दुनिया का पहला रिएक्टर है जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया से ऊर्जा बनाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 छोटे एटम्स के न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से ऊर्जा पैदा होती है। सूर्य की अनंत ऊर्जा का स्रोत भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, यानी सूर्य पर एटम्स के न्यूक्लियस के जुड़ने की निरंतर प्रक्रिया की वजह से ही ऊर्जा पैदा होती है। इस रिएक्टर को पृथ्वी के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में से एक कहा जा रहा है। इस फ्यूजन रिएक्टर का मकसद बड़े पैमाने पर साफ सुथरी बिजली पैदा करने का है, जिससे दुनिया को भविष्य में प्रदूषण मुक्त बिजली बनाने का एक बड़ा जरिया मिल सकेगा।
ये प्रयोग पूरी तरह से कारगर रहा तो इससे भविष्य में इंसानों की ऊर्जा संबंधी सारी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। 6 मंजिला इमारत से ऊंचे इस रिएक्टर को जापान और यूरोपीय यूनियन के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है।